हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप YouTube पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स है जैसे CSAT की, आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है प्रॉपर तरीके से, आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? नमस्कार मीरा जी, शंकर जी, अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अंसारी जी, सभी लोग प्रॉपर सुन पा रहे हैं ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखो, क्वेश्चन में लिखा है, अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1,00,000, है ना? दोनों को किस में? 1,00,000 रुपए में बेचा गया। एक को 20% प्रॉफिट और एक को 20% लॉस। अब आप मेरी बात को समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर? बराबर। सेलिंग प्राइस जो है दोनों का क्या है? इक्वल है। SP1 और SP2, या फिर SP1 SP, ऐसा उल्टा करके आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर का भी और दुकान का भी, है ना? दोनों का क्या है? विक्रय मूल्य बराबर। और वो है कितना? वो है 1,00,000 रुपए।
दोनों का सेलिंग प्राइस आपका क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या, ये है ना, ये दोनों का क्या दिया हुआ है आपको, बराबर दिया हुआ है। अब सेलिंग प्राइस बराबर होने के साथ साथ पहली कंडीशन जो मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बता दिया जाए कि सेलिंग प्राइस बराबर है, अगर आपको ये बता दिया जाए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है, लाभ और हानि का अगर जी प्रतिशत भी बराबर है, तो हमेशा हमेशा ओवरऑल कुल पे क्या होगा, टोटल पे हमेशा लॉस ही होगा। टोटल पे क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, है ना, टोटल पे हमेशा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और लॉस भी कितना होगा, लॉस भी कितना होगा वो निकालने के लिए, नमस्कार जी, नमस्कार सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, प्रीति जी नमस्कार, अंसारी जी, सरस्वती जी नमस्कार। देखो टोटल पे क्या होगा बेटा, हमेशा लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा वो निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, है ना। टोटल पे कितना लॉस होगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अगर बराबर है, दूसरी कंडीशन अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य भी क्या है जी, अगर बराबर है, विक्रय मूल्य भी क्या है अगर बराबर है, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूं पर हालांकि जरूरत है नहीं है। ओवरऑल क्या होगा, लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100, है ना। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स की जगह 20 रखो तो 20 गुणा 20 बटा 100 तो क्या आ रहा है, 4% लॉस होगा। क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। नमस्कार जी, प्रियंका जी नमस्कार बेटा, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अगर क्या क्या बराबर है बेटा, अगर प्रॉफिट और लॉस का, बेटा वीडियो वगैरह रुक तो नहीं रहा, बता देना, कल के जैसी तो दिक्कत नहीं आ रही ना। चलो ठीक, राकेश जी देखो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है राकेश जी, और लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर है जी। गुड इवनिंग जी सोनल जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो बेटा मैं ये बोल रहा था कि अगर देखो क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल है, क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल है कि अगर सेलिंग प्राइस, देखो घर और दुकान दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का 1 लाख है, बराबर है, और अगर लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर है, तो हमेशा कुल पर टोटल पे जी लॉस होता है। टोटल पर क्या हो जाएगी, हमेशा हानि हो जाएगी, कितने की हो जाएगी, परसेंटेज में एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 से आप क्या निकाल सकते हो, आप हानि निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हानि निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, परसेंटेज रखा मैंने 20 गुणा 20 बटा 100, तो 4% की हो गई हानि, क्या हो गई, 4% की बेटा हानि हो गई। अब ये जो 4% की हानि है, 4% की क्या है भाई, हानि है, तो मतलब मैं अगर कोई चीज़ 100% पे खरीद रहा हूँ और अगर मैं उसे 4 की हानि पर बेचूँगा, तो मतलब मैं उसे 96% पर बेचूँगा। कितने पर बेचूँगा, मैं उसे 96% पर बेचूँगा। बात सहमत है कि नहीं, अगर 100% की चीज़ पे 4 की हानि हो गई, मतलब मैंने 96% पे बेचा, टोटल घर और दुकान मिलाकर 96%। तो आप कहोगे सर परसेंटेज तो 96 है पर रुपए तो कितने हैं, 2 लाख रुपए, कितने, 2 लाख, कैसे, घर और दुकान मिला के 1-1 लाख मिलाकर क्या हो गया, 2 लाख। भाई 4 की हानि है, तो जो चीज़ 100 में खरीदेंगे उसे 4 की हानि पे 96 में बेचेंगे, और वो रुपए में 2 लाख के बराबर। तो आप कहोगे सर 1% निकालो जल्दी से, वो हो जाएगा 2 लाख बटा 96। फिर मैं पूछूंगा कि बताओ हानि कितनी है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, तो हानि कितनी है, परिणाम मतलब क्या है कि ओवरऑल या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर 4% की हानि है ओवरऑल पे, तो जब 1% है 1/48, तो 4% क्या हो जाएगा, 4% आपका हो जाएगा भाई विद्यार्थियों 1/48 × 4, 1/12 लाख, यही आंसर है, 1/12 लाख क्या हो गया, यहाँ पे लॉस भी लिखा हुआ आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, साथ में लॉस भी आना चाहिए था। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को, हाँ जी प्रीत जी मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया हूँ एकदम, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
बेटा क्लास मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 12 घंटे के लगभग क्लास हो जाती है, इसलिए थोड़ी खांसी रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेहत बहुत बढ़िया है। रिपीट करें? बिल्कुल अंसारी जी, मैं रिपीट करता हूँ, है ना, देखो मेरी बात को समझना। हाँ बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। देखो आपको ये पता है 4% की हानि, तो मैं 100 की चीज़ को 96 में बेचूंगा, है ना, क्योंकि 4 का क्या है, लॉस है, तो 100 की चीज़ कितने में जाएगी, 96 में जाएगी। तो 96% पे मैं बेच तो रहा हूँ, वो रुपए में 2 लाख के बराबर है। कैसे? कि 1 लाख का घर है, 1 लाख की दुकान है, तो मतलब 2 लाख में मैंने बेचा है, 1 लाख का घर और 1 लाख की दुकान, तो 2 लाख में बेचा। तो 96% अगर दो, तो 1% क्या हो जाएगा बेटा, 2/96 अपॉन में आ गया, 2/96, तो 1/48 हो गया, 1/48। पर हानि तो हमारी 4 की थी, जब 1% 1/48 है, तो 4% के लिए आप 4 से गुणा करोगे तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या बात समझ में आ रही है मेरी? आपको कंडीशन याद रखनी है ना, जब ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन आप हमेशा याद रखना, ठीक, कि ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस, सॉरी, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तब क्या होगा कि जब सेलिंग प्राइस बराबर, अगर परसेंटेज बराबर ना हो, तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यार ये बड़ा खतरनाक सवाल आ गया है, चलो कोशिश करो फिर भी आप लोग, अगर कोई बच्चा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात। दो घोड़े 1600 रुपए के खरीदे, पहले को 10% का लाभ, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। यदि पहले को 20%, दूसरे को 10% पे बेचते, तो 5 रुपए ज्यादा मिलते। तो दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का आपको क्या करना है बेटा, अंतर ज्ञात करना है। कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल अंसारी जी, आपने सही लिखा हुआ है, वो 4% टोटल लॉस है। हाँ जी, क्या किसी का आंसर आया? कोई आंसर नहीं है, चलो मेरी बात को समझो, मेरी बात को भाई ठंडे दिमाग से समझना। 1600 रुपए, 1600 रुपए हैं आपके टोटल, मतलब दोनों को 1600 में खरीदा। अगर पहले को, फर्स्ट को अगर मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, और सेकंड को अगर मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना, तो सपोज हमें एक्स रुपए मिलते हैं, एक्स रुपए मिलते हैं सपोज, और अगर पहले को 20%, दूसरे को 10% पे बेचते, तो कितने मिलते सपोज, एक्स प्लस 5 रुपए ज़्यादा मिलते, एक्स प्लस 5 रुपए ज़्यादा मिलते। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बेटा माइनस करूँ, दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँ, तो जो अंतर निकल के आएगा, फर्स्ट का 10% और सेकंड का, माइनस सेकंड का 10% बराबर 5 रुपए का अंतर निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई? माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10% ऑफ फर्स्ट, 10% ऑफ सेकंड, एक्स एक्स कटेगा, कितने का आएगा, 5 का अंतर। तो मतलब 10% कॉमन अगर मैं लूँ, तो फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का 10% अगर 5 रुपए के बराबर है, तो 10% अगर बेटा 5 के बराबर है, तो 100% बराबर 50 नहीं हो जाएगा? डिफरेंस दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर का 10% है 5 रुपए, अंतर का 10% है कितना, 5 रुपए, तो 100% मतलब अंतर क्या हो जाएगा बेटा, 50 रुपए। बिल्कुल शंकर जी, आप सही कह रहे हो, बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो मैं पूरा करूं क्या सॉल्व, कि ये समझ में आ गया? अगर आप चाहो तो मैं पूरा भी सॉल्व कर सकता हूं बेटा। ठीक है ना, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये रहा,
एक कलाई घड़ी तथा दीवार घड़ी 390 में खरीदी। कलाई घड़ी का 10% का लाभ, दीवार घड़ी का 15% का लाभ, कुल मिला के 51.5 रुपये का लाभ। प्रियंका जी, टर्म रिपीट करना है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें जब आप माइनस करोगे बेटा, यहाँ भी 10% आएगा, यहाँ भी 10% आएगा, तो 10% पहले घोड़े का, 10% दूसरे घोड़े का, 10% दोनों का अंतर क्या है, वो 5 रुपए है माइनस करने पे। तो 10% कॉमन आ गया, तो दोनों घोड़ों का अंतर, हालांकि दूसरा घोड़ा हो सकता है कि महंगा हो, है ना, दूसरे घोड़े की कीमत ज़्यादा है पहले की ज़्यादा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर हमें ये पता है कि दोनों का अंतर, डिफरेंस का 10% बराबर 5 रुपए है, तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, 50। बोलो प्रियंका जी, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ भाई, तो मजा आए। ठीक है ना, चलो बढ़िया। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं आपको बढ़िया वाला तरीका बता देता हूं। देखो, बढ़िया वाला तरीका समझना कि पहले घोड़े को, मतलब दोनों, अच्छा सॉरी, घड़ियां हैं, तो दोनों घड़ी जो है, कलाई घड़ी और दीवार घड़ी, 390 रुपये में खरीदी, 390 रुपये में खरीदी, एक को बेचा है 10% के लाभ पे, एक को बेचा है 15% के लाभ पे, है ना। तो बेटा अगर 10% का लाभ मैं देखूंगा ना 390 पे, तो 39 रुपीज होगा, निकाल पाएंगे कि नहीं भैया? 10% निकालना क्या बड़ी बात है ना, 39 आ जाएगा क्या? सहमत है बेटा? हाँ या ना बोलते जाना। 10% का लाभ होता तो 39, 15% का लाभ होता तो कितना, 58.5, 390 का 15% निकाल लोगे ना, 390 × 15/100, आप सिंप्लीफाई करके देखो 58.5 आ जाएगा, है ना। पर ओवरऑल कितना मिल रहा है, ओवरऑल 51.5 मिल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट दोनों पे। वैसे पहले का 10% तो 39 मिलना चाहिए, 58.5 मिल कितना रहा है, 51.5। एलिगेशन लगाओ, माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 7, यहां माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 11, 12.5 है क्या ये, शायद, है ना। माइनस करेंगे 51.5 -39, ये आएगा 12.5, है ना। तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो दोनों घड़ियों का अनुपात हो रहा है 70:125, दशमलव हटेगा तो आगे जीरो लग जाएगा, तो 5 के पहाड़े से काटोगे तो बेटा 14:25, 14:25। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य का अंतर, अब बताओ अंतर कितने का? तो आप कहोगे सर अंतर तो 11 का है, बटा टोटल कितना, 39 × कुल राशि 390। बहुत बढ़िया जी, आंसर सही बताया था, 110। किसने बताया था आंसर? शंकर जी, शंकर जी बहुत बढ़िया। प्रीति जी, रिकॉर्डेड क्लास बेटा सर ने अब अनलिस्टेड कर दी है सारी की सारी क्लासेस, आपके पास जो लिंक आती है ना ड्राइव में, जो ड्राइव में लिंक आती है, आप लिंक से ही डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस की प्रीति जी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस की जरूरत नहीं है, सर ने जो है क्लासेस, आप तो हमेशा लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, है ना, रिकॉर्डिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। ठीक है भाई विद्यार्थियों, ये एलिगेशन समझ में आ रहा है ना बेटा? 10% 39, 15% 58.5, ओवरऑल 51.5। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? चलो बढ़िया, अगला सवाल कर दो। एक आदमी दो कुर्सियां कुल 390 रुपए की, सॉरी 900 रुपए की लागत में खरीदता है, एक को उसकी लागत के 4/5 पर, दूसरे को लागत के 5/4 पर बेचकर कुल मिला के लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। कम दाम वाली कुर्सी पूछ रहा है, कम दाम वाली कुर्सी। हाँ
बड़ा आसान है सवाल। देखो, 4/5 का मतलब बेटा पांच की चीज चार में जाएगी। 4/5 मतलब पांच की चीज चार में जाएगी, तो मतलब एक की हानि, पांच पे एक की हानि मतलब पहले वाला 20% लॉस है। हाँ जी, सहमत है या नहीं? पांच के ऊपर एक की हानि हो रही है मतलब सीधा सीधा 20% क्या है, लॉस है। ठीक, दूसरे पे बेटा क्या है, दूसरे पे 5/4 मतलब चार की चीज पांच में जा रही है, 4/1 का लाभ मतलब 25% का प्रॉफिट है। 4/1 का लाभ, तो 4/1 का लाभ बेटा 25% होता है या नहीं? ठीक, तो पहले पे 20 का लॉस, दूसरे पे 25 का प्रॉफिट, ओवरऑल 90 रुपए का लाभ। अब 90 900 का क्या होता है? तो आप कहोगे सर 90 तो 900 का 10% होता है, ओवरऑल 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल आपको 10% का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो ओवरऑल मैंने लिखा 10। अब आप एलिगेशन लगा लो, -20 है +25 है और ओवरऑल 10 का लाभ। तो एलिगेशन में जब साइन डिफरेंट होता है तो वैल्यू जुड़ जाती है ना, 20 और 30 जुड़ेगा क्योंकि साइन अपोजिट है, हानि और लाभ जुड़ता है 30। यहाँ घटेगा 15, तो अनुपात क्या आ रहा है, 15-30 का अनुपात 1:2 आ रहा है। अब 900 को, अब क्या पूछ रहा है, कम वाली, तो कम वाली तो क्या, अब आप डिवाइड करोगे 900 रुपये को 1-2 में, तो आप कहोगे सर 300 600, ये 300 है और ये 600, कम दाम वाली कितने की हो गई, 300 की हो गई बस। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही राकेश जी, बिल्कुल सही। बाकी सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? तीन सौ एकदम सही। चलो अगला सवाल। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदा, घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया, वाहन को 5% की हानि पर, कुल सौदे पर 1%। ये डायरेक्ट डायरेक्ट एलिगेशन पे ये सबका आना चाहिए, सीधा सीधा साक्षात आपको एलिगेशन अप्लाई करना है, डायरेक्ट एलिगेशन। देखो, पहले पे 10 का प्रॉफिट है, दूसरे पे 5 का लॉस है, ओवरऑल 1% का प्रॉफिट। देखो साइन सेम है तो घटेगा, डिफरेंट है तो जुड़ेगा, तो 2:3, 40 को 2:3 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 8 2 16, 8 3 24, 16,000 और 24,000। कौन सा पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा है और वाहन है, तो घोड़ा पहले वाला हो गया 16। रिपीट करें सोनल जी, बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखो मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ लिखा है सोनल जी कि घोड़े को 10% के लाभ पे, तो पहले वाले का घोड़े का हो गया 10% प्लस 5% की हानि, तो क्या हो गया, -5। ओवरऑल कुल पर क्या हो रहा है बेटा, 1 का लाभ हो रहा है, कुल पर हो गया +1। आप एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन में जब चिन्ह क्या होते हैं, समान, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो वैल्यू घट जाती है, तो आया 9, 10 और 1 घटा, और यहां पे साइन अपोजिट है तो बेटा आप जोड़ोगे, -5 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो जो रेशो बन रहा है दोनों के कॉस्ट प्राइस का, वो 2:3 बन रहा है ना। अब घोड़े का क्रय मूल्य आपसे पूछा, तो घोड़े का कितना है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना बेटा, 2 + 3 कितना, 5, इंटू 40,000 रुपए, 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल 16,000। अक्षिता जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया, बोलो बेटा सोनल, बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हाँ जी बेटा, अरे यार मैं तो क्लास ले रहा था अभी। हाँ, है ना, मैं करता हूँ कॉल, करता हूँ, तो आप तो अभी निकल जाओ, मैं लेट हो जाऊँगा यार थोड़ा, है
है ना? ठीक, ओके। बिल्कुल प्रीति जी, मैं एक और बार समझा देता हूँ बेटा। देखो, एक और बार समझाता हूँ मैं, देखो समझो मेरी बात को। 40,000 ये था, है ना? आपका हो तो मैं तरीका भी चेंज कर सकता हूँ बेटा, है ना? तरीका भी अपन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप एलिगेशन में ये जान लो कि जब आपको पर आर्टिकल का पता है 10% और 5%, और बेटा ओवरऑल भी आपको क्या पता है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट भी पता है 1%। जब आपको ओवरऑल पता होता है ना, तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हो, 10% 5% ये प्रॉफिट है और ये क्या है, लॉस है। तो ओवरऑल क्या है, 1% का प्रॉफिट है। ओवरऑल क्या है, 1% का प्रॉफिट। तो आप बेटा एलिगेशन डायरेक्ट लगाओ, आप माइनस किया करो, माइनस करोगे 9 आएगा, और ये प्लस माइनस का साइन है, तो ये तो क्या हो जाएगा 6, तो रेशो क्या हो जाएगा 2:3, रेशो क्या हो जाएगा 2:3। अब आप अगर 40,000 रुपये को बेटा 2:3 में बांटोगे, तो घोड़े का तो 2 रेशो है, 2 डिवाइडेड बाय हमेशा बेटा टोटल किया जाता है, 2 और 3 कितना, 5, गुणा राशि कितनी है 40,000, आंसर क्या आ जाएगा 16,000, ठीक है ना? सभी को बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा प्रीति, अभी ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन। यार ये फिर से बड़ा जबरदस्त सवाल है, सवाल आज बड़े कठिन कठिन है बेटा। 6 क्यों है प्रीति? अगर देखो बेटा एलिगेशन में अगर साइन अपोजिट होता है, एक -5 है और एक प्लस का 1 है, तो वैल्यू जुड़ जाती है, 5 और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। साइन अगर सेम होता है तो बेटा वैल्यू घट जाती है। मेरे को लग रहा है एलिगेशन समझ नहीं आ रहा, मेरे को दूसरा तरीका बताना पड़ेगा। मैं एलिगेशन इसलिए प्रेफर करता हूँ कि बहुत आसान होता है ना? 10 और 1 को घटाओगे तो बेटा 9 आएगा, 5 और 1 क्योंकि साइन अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना? साइन अपोजिट तो जोड़ दिया करो बस। अब ये फिर से बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है यार, ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है ना? मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने की आप लोगों को। देखो, अगर घोड़े को 3100 रुपए में, भैंस को 1300 रुपए में बेचूं, तो मुझे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। लेकिन यदि घोड़े को 3150 में और भैंस को क्रय मूल्य पर बेचूं, तो क्या होता है, मुझे 10% की हानि हो जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि 10% की हानि, भैंस का क्रय मूल्य आपको बताना है। हाँ जी, ये आप बेटा आंसर निकाल के बताओ। आप आएगा क्या? चलो समझो मेरी बात को, मैं कोशिश करता हूं। 3100 में घोड़ा और भैंस को 1300 में, मतलब कुल मिला के मैंने कितने में बेचा, 4400 रुपए कुल मिला के टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 4400 रुपए, ठीक है ना? 4400 रुपए। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 10% का, 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस 10% है, तो सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस अगर 4400 है और ऊपर से 10% का लाभ हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि CP बराबर होगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना? तो ये हो जाएगा SP, तो मेरे पास 4400 था ही, 100 बटा, हालांकि ये चीज़ आपको मौखिक कर लेनी चाहिए, आपको ये चीज़ आपको मौखिक कर लेनी चाहिए। आपका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 4000, 4000 की चीज़ पे 10 का लाभ होगा ना, तभी तो 4400 में जाएगी, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है भैया? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ बेटा बिल्कुल प्रीति जी, हमेशा जोड़ा जाता है जब साइन अपोजिट होता है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना?
चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, मेरे को ये पता है कि ये जो घोड़ा और भैंस है दोनों मिलाकर, बफेलो प्लस हॉर्स मिलाकर, टोटल हमारे 4,000 रुपए के हैं। कितने के हैं? 4,000 रुपए के हैं। अब बहुत ठंडे दिमाग से समझना मेरी बात को, मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ। अब अगर घोड़े को 3,150 में और भैंस को बेचा है सीपी पे, घोड़े को बेचा मैंने 3,150 और भैंस को किस पे बेचा है? सीपी पे, तो 10% की हानि। अब 4,000 की चीज़ है हमारी टोटल, और अगर इस पे 10% का अगर लॉस हो गया तो 400 रुपये कम हो जाएंगे। तो मतलब 3,600 रुपये में आप बेचोगे। कितने में बेचोगे? 3,600 रुपये में बेचोगे। 3,100 क्यों शंकर जी? 3,600, 3,600 में बेचोगे ना आप। अगर 10% का लॉस हो गया तो 3,600 में बेचोगे आप टोटल, है ना। अगर 10 का, 4,000 की चीज़ पे 10 का लॉस, तो 3,600 में बेचोगे, जिसमें से 3,150 का तो मेरा घोड़ा ही बेचा है मैंने। भैंस का हमें नहीं पता, पर टोटल हमें पता है कि हम 3,600 में बेच रहे हैं। तो भैंस का सीपी निकल के आ गया कितना? 450 रुपये। माइनस कर दो 3,600 में से 3,150। हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग सहमत हैं क्या? है ना। तो 3,150 में घोड़ा बेचा, भैंस को बेचा क्रैमूले पे, बेचा टोटल 3,600 में, क्योंकि 4,000 की चीज पे 10% की हानि हो रही है। अच्छा, लास्ट वाले का 3,100 है। ठीक है ठीक है, शंकर जी बोल रहे हैं 3,100, बहुत बढ़िया शंकर जी, देखते हैं। तो अगर भैंस का, अब देखो क्या पूछ रहा है, तथा क्रैमूले का अंतर। अब मेरी बात को समझना, मैं ये जानता हूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का 4,000 है, जिसमें से भैंस कितने की है? 450 रुपए की है। तो मैं ये बता दूं कि जो घोड़ा है वो मेरा 3,550 का है। माइनस कर दो, जो घोड़ा है वो कितने का है? वो 3,550 का है। क्यों? क्योंकि भाई टोटल हमारा 4,000 का है ना, दोनों मिलाकर सीपी, जिसमें से 450 की तो हमारी भैंस हो गई। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि घोड़ा अगर 3,550 का है, भैंस अगर 450 की है, तो अंतर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 3,100 आपका क्या आ गया? दोनों का अंतर, यही पूछा था। राकेश जी नहीं आया बेटा, सवाल बड़ा मजेदार है, मेरे को तो बहुत पसंद है ये सवाल। मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको, है ना, मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन एक और बार समझ लेते हैं। देखो भाई विद्यार्थियों, दोबारा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, 3,100 और 1,300, बेटा 3,100 और 1,300, इसका मतलब मैंने बेचा टोटल 4,400 में, तो मेरे को 10% का क्या हो गया? प्रॉफिट। 10% का हो गया प्रॉफिट। तो मैं 10, 4,400 पे अगर 10 का प्रॉफिट है, तो सीपी मेरा 4,000 आएगा। मैंने सीधा सीधा सीपी निकालने का फॉर्मूला लगा लिया, मेरे को एसपी 4,400 पता है, प्रॉफिट भी मेरे को पता है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया तो सीपी आ गया। ठीक। अब बोल रहा है दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस है। ठीक है राकेश जी, दूसरी 4,000 मेरा सीपी है, दूसरी कंडीशन में 10 का लॉस, 10% का लॉस करोगे, 400 कम हो जाएगा, मतलब 3,600 में जाएगा। कितने में जाएगा? 3,600 में जाएगा। अब 3,600 में दूसरी कंडीशन में आप बेच रहे हो, दूसरी कंडीशन में कितने में बेच रहे हो? 3,600 में बेच रहे हो, जिसमें से मैंने 3,150 में तो घोड़ा बेचा, 3,150 में घोड़ा बेचा और भैंस को बेचा कॉस्ट प्राइस पे, और टोटल बेचा कितने में? 3,600 में। तो भैंस का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 450। अब 4,000 रुपये जो मेरा टोटल है, 4,000 रुपये मेरा क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस है, दोनों का मैंने अभी निकाला, जिसमें से 450 की अगर भैंस है तो घोड़ा 3,550 का होगा। माइनस कर दो, 3,550 अगर घोड़ा है, भैंस अगर 450 है, तो दोनों के सीपी का अंतर क्या हो गया? 3,100। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी ठीक है ना राकेश जी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बढ़िया, अगला प्रश्न। अब चलो थोड़े आसान सवालों पर आ जाते हैं।
फ्रूटी जी कोई बात नहीं बेटा, बाद में वो देख लिया करो ना, अनलिस्टेड वीडियोस या रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बाद में देख लिया करो फ्रूटी जी, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो, पर्सन कैलकुलेट्स 33% लॉस एट सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस एट कॉस्ट प्राइस, ये सवाल है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 33:1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 मतलब एसपी अगर 3 है तो लॉस कितने का होगा, 1 का होगा। एसपी के ऊपर निकाल रहे हो ना, एसपी अगर 3 है तो लॉस 1 का होगा, मतलब सीपी 4 होगा। भाई लॉस का मतलब तो सीपी ज़्यादा ही होता है ना, ₹1 का लॉस है 3 के ऊपर, ₹1 का लॉस तो सीपी क्या होगा, 4, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हो तो आप सेलिंग प्राइस ही क्या मानोगे, सेलिंग प्राइस 3, सीपी पे निकाल रहे होते तो सीपी 3 मानते। तो 1 का लॉस है, 1 का लॉस अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो 4 × 100 करके देखोगे तो क्या आएगा, 25%। बोलो, ठीक है जी बेटा, बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को, कमेंट करके बताइए। ये इस टाइप के मैंने पहले बहुत करवाए हैं आप लोगों को, है ना, इस टाइप के तो हम बहुत सारे कर चुके हैं पहले, ठीक। तो ये तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल। मीरा जी मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो बेटा 33:1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। कैसे, 33:1/3 को मैं क्या लिखूंगा, 33 × 99 + 1, मैं इसे 100/3 लिखूंगा। और फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज लगाए ना, तो बटे में आप 100 भी लगाओगे तो क्या बनेगा, 1/3 बनेगा ना। मतलब अगर कोई चीज ₹3 की है तो उस पर 1 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। सीपी और एसपी की बात करें तो अब एसपी पे निकाल रहा है लॉस एट एसपी, तो अगर एसपी 3 है तो 1 की क्या होगी, हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस तो भाई खरीदा ज़्यादा में होगा, बेचा कम में होगा, तभी तो ना लॉस होगा। लॉस कब होता है, जब चीज़ महंगी चीज़ हम सस्ते में बेच देते हैं, तो सीपी तो क्या हो गया, 4, तो लॉस है 4 के ऊपर ₹1। अब मैं सीपी पे निकालूंगा तो 4 पे 1, परसेंटेज में क्या हो जाएगा बेटा, 100 करोगे 25, ठीक है ना। अगला सवाल, हाँ जी भाई जनता, दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पे, एक दूसरा अपना सेलिंग, एक क्रय पे एक विक्रय पे, दोनों 20% का प्रॉफिट का दावा कर रहे हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों के लाभ का अंतर ₹85 है। विक्रय मूल्य समान है, ऊपर से लाभ का अंतर क्या बोल रहा है, ₹85 बोल रहा है। ठीक है ना बेटा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने को आपसे कहा जा रहा है। देखो बड़ा आसान सवाल, बेहद आसान सवाल, सीपी और एसपी की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस समान भी बोल रहा है, प्रॉफिट 20% ही है दोनों का। अगर प्रॉफिट 20% है तो मैं ये कहूंगा कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 1/5। तो पहला आदमी सीपी 5 होगा और दूसरे आदमी का एसपी 5 होगा, है ना, ठीक है ना भाई। एक सीपी पे निकालेगा तो उसका सीपी 5 होगा, डिनोमिनेटर को आपको मानना पड़ेगा, अगर जो सीपी पे निकाल रहा है उसका सीपी 5, जो एसपी पे निकाल रहा है उसका एसपी 5, ठीक। तो अगर लाभ है, प्रॉफिट में आप जानते हो, दोनों प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट में मैं जानता हूं कि हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, है ना। तो 5/1 का लाभ होगा, 5/1 का लाभ मतलब 5 की चीज 6 में गई, 5/1 का लाभ मतलब सीपी 4 होगा, 1 का लाभ होगा 5 पर, एसपी पे 5/1 का लाभ, सीपी पे 5/1 का लाभ,
ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपका कम ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी आपने पाँच में एक जोड़ के यहाँ छः लिख दिया, तो छः की चीज़ पाँच में चली गई, तो ये तो हानि हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी भाई कमेंट करो बेटा, यस या नो, समझ में आ रहा है? देखो प्रॉफिट सीपी पे है तो सीपी पांच लोगे, एसपी पे है तो एसपी पांच लोगे। ठीक, अब बोल रहा है कि दोनों का क्या करना है, आपको बराबर करना है सेलिंग प्राइस बराबर। अब मैं सेलिंग प्राइस बराबर कर दूंगा, पर सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए मेरे को यहां पर और यहां पर पांच और छह गुणा करना पड़ेगा। एसपी बराबर करना है ना, एसपी बराबर करना है, तो एक जगह पांच और एक जगह अपन क्या करेंगे बेटा छह गुणा करेंगे। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले आदमी का, फर्स्ट पर्सन का 25 की चीज कितने में जा रही है, 30 में, और दूसरा छह गुणा करोगे तो बेटा 24 की चीज कितने में जा रही है, 30 में। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? सॉरी 25 नहीं यार, 24, छह से गुणा किया ना 24 की चीज, तो एसपी तो मैंने बराबर कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, 25 की चीज 30 में गई इसको 5 का लाभ, 24 की चीज 30 में गई इसको 6 का लाभ। राकेश जी बिल्कुल बेटा, तरीके और भी हैं पर समस्या यही हो जाती है। सोनल जी एसपी 3600 कैसे? बेटा आप तो बहुत पिछले वाले सवाल की बात कर रहे हो, बेटा आप अपने वीडियो को फॉरवर्ड तो करो, जो क्वेश्चन चल रहा है आप तो काफ़ी समय पहले का सोनल जी बोल रहे हो। 3600 तो बेटा ये बहुत पहले का, ये वाला है 3600, दो सवाल पहले की आप बात कर रहे हो। बेटा यहाँ 4000 पे 10 का लॉस हो गया था ना, 4000 पे अगर आप 10 का लॉस निकालोगे तो 4000 का 10% क्या होता है बेटा, 400 रुपये कम हो जाएंगे, तो 4000 पे 400 कम करोगे तो 3600 आ जाएगा ना। चलो ठीक, तो दोनों के प्रॉफिट 5 और 6 हैं, तो डिफरेंस क्या है प्रॉफिट का, 1:1 जो कि कितना है 85 रुपये, 85 रुपये। एसपी कितना दोनों का, 30:30 बराबर 85 गुणा 30, कितना हो जाएगा ये 2550 हो जाएगा ना। बोलो भाई, सभी को बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, लास्ट वाला मैं रिपीट कर देता हूं। देखो शंकर जी, पहले वाले आदमी को 25 की चीज 30 में गई तो इसको 5 का प्रॉफिट, 24 की चीज 30 में गई तो इसको 6 का प्रॉफिट, तो दोनों के प्रॉफिट में 5 और 6 में कितने का अंतर, 1, यही तो बोल रहा है ना, दोनों के लाभ का अंतर 85, तो लाभ का अंतर क्या है शंकर जी, 1:1, वो 85 है, तो दोनों का एसपी क्या आ रहा है अपना 30:30, तो एसपी 30:30 है, तो जब 1:85 तो 30:85 × 30 2550 हो गया। बोलो शंकर जी हाँ या ना। देखो करना कुछ नहीं था, हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करके देख लेना कि किसको कितना लाभ हो रहा है और उसका अंतर बस देख लो आप। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही है सारे के सारे क्वेश्चन, पर मैं आपको समझा दूंगा। देखो बढ़िया बढ़िया से सवाल है, आसान आसान से। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, क्रय और विक्रय का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 5:4, तो 5 की चीज 4 में गई तो 1 की हानि हो गई 5 पे, परसेंटेज में क्या हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा। बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 20, फटाफट फटाफट कर, अब सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बेटा, सीपी एसपी का रेशो 20:21, गेन परसेंटेज लाभ प्रतिशत। देखो एसएससी प्रीलिम्स 2002 में, मिडिल जोन एंड एसएससी सीपीओ एसआई 2006 में, सीआईएसएफ में 2010 में, काफी बार आया है क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। देखो ये वाला भी करो,
20 की चीज 21 में गई, एक का लाभ 20 के ऊपर परसेंटेज में क्या हो गया भैया, 5% हो गया कि नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया अक्षता जी, मीरा जी, राकेश जी, शंकर जी, सबने आंसर एकदम सही निकाला, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शंकर जी, एकदम सही। अगला सवाल, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को, देखो हो पा रहा है कि नहीं। देखो 3 रुपए है, 3 रुपए है, और अब देखो यहां पर ये जो 3 रुपए है ना बेटा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर क्या कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग, एक बार आप 4% का लाभ है, एक बार 4% का लाभ है और एक बार 6% का लाभ है, और दोनों का जो अंतर है, जो सेलिंग प्राइस का अंतर है, वो 3 रुपए है। तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, अनुपात क्या है विक्रय मूल्य का, ये आपसे बोल रहा है। 52:53, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 का लाभ है तो आप 104 पे बेचोगे, 6 का लाभ है तो आप 106 पे बेचोगे, वैसे ही 2 के पहाड़े से काटा तो 52:53 आ गया। मैं ये बोल रहा था कि 3 रुपए की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, 104%, 106% भाई सीपी तो आप क्या मान लो, आप 100% मान लो। जब 4 का लाभ है तो 104% पे बेचा, फिर 106% पे बेचा, तो अंतर क्या आ गया बेटा, सॉरी अनुपात क्या आ गया, 52:53 आ गया ना डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, सेलिंग द मिल्क विद वाटर एट 9 रुपीज पर लीटर, है ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो 9 रुपए प्रति लीटर पे बेचा, पर बेचा तो 20% का क्या हुआ, 20% का लाभ, 20% का लाभ। अब जो दूध है, दूध है वो 10 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए प्रति लीटर है, एकदम प्योर प्योर दूध जो है 10 रुपए प्रति लीटर है। तो उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया हुआ है। नौ रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, जबकि दूध तो हमारा 10 रुपए का है। अब ऐसे केस में, हालांकि तरीके बहुत सारे हैं इसको भी करने के, बड़ा मजेदार सा सवाल। देखो 9 रुपए में बेच रहे हैं, अच्छा देखो 10 रुपए का दूध है, प्योर दूध कितने का है, 10 रुपए का। प्योर पानी कितने रुपए का है, तो आप कहोगे सर पानी का आएगा, पानी फ्री का 0 रुपए का, पानी क्या है फ्री का, पानी 0 रुपए का। अगर मैं दूध को 20% के लाभ पर बेचूंगा तो दूध जाएगा 12 रुपए में, भाई 10 की चीज को 20% का लाभ अगर लगाओगे तो 12 में, पानी तो 0 का है, कितना भी लाभ हो वो तो 0 ही रहेगा, 20% अगर आप बढ़ाओगे भी तो 0 ही आएगा, पर ओवरऑल अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 9 रुपए में बेचा जा रहा है। अब आप एलिगेशन लगाओ, माइनस करो तो कितना आया 3, 0 9 को घटाया तो कितना आया 9, अनुपात क्या बना बेटा 3:1, बात खत्म है ना। देखो प्योर दूध को 10, सॉरी प्योर दूध को अगर 20% के लाभ पर बेचोगे तो 12 में जाएगा, प्योर पानी को कितने भी लाभ पर बेच लो पानी तो 0 में जाएगा, पानी की आपको वैल्यू क्या मान के चलनी है 0,
जबकि इनको मिलाया, जब मैंने दूध और पानी को मिलाकर जब बेचा ना मैंने, तो 9 रुपए में जा रहा है 20% के लाभ पर। मैंने सब में 20-20% बढ़ा दिया है। बस एलिगेशन लगा लो, 3:1 आ गया। बोलो। बिल्कुल राकेश जी, शंकर जी, दोनों एकदम सही। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है इसको करने का। देखो वो जो दूसरा तरीका है ना बेटा, वो दूसरा तरीका ऐसा है, दूसरे तरीके में आपको बेटा कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। दूसरे में आपको कॉस्ट प्राइस, अगर एसपी मेरा 9 है, प्रॉफिट मेरा 20% है, तो मैं सीपी निकाल लूंगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये हो जाएगा 9 × 100/120। तो ये अगर आप काटोगे इसे तो ये हो जाएगा बेटा 90/12। 6 के पहाड़े से काटोगे 15/2, मतलब 7.5 आ रहा है कुल मिला के, है ना, 7.5। तो मिश्रण है, सीपी है 7.5, दूध का सॉरी पानी का सीपी है, सॉरी 7.5 तो आ गया, दूध का सीपी है 10, पानी का सीपी 0, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 7.5। अब अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो ये आएगा 2.5 और ये आएगा 7.5, तो भी अनुपात तो क्या बनेगा बेटा, 3:1। मैंने यहां पर ना 9 रुपए जो है सेलिंग प्राइस था, 20% का लाभ था, तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस 7.5 आया। तो दूध का सीपी प्योर का 10 है, पानी का 0 और मिश्रण का 7.5 है, क्योंकि 9 रुपए में तो 20 का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा बेटा आपका, कॉस्ट प्राइस तो आपका सीधा सीधा 7.5 हो जाएगा ना। या तो मैं सभी का क्या निकाल दूं, सीपी, या फिर मैं क्या निकाल सकता हूं, एसपी। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलो अगला सवाल। हाँ जी, यहाँ पर कहा जा रहा है प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशो 5:3। रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। अरे ये तो बड़ा आसान है भाई। रेफ्रिजरेटर का और टीवी का जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, इनका अनुपात 5:3 है। तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 2:1 ज़्यादा है, वो तो 5500 दिया है आपको, 5500 दिया है, 2:1 ज़्यादा है, 5500 दिया, तो 1:1 क्या हो जाएगा, 2750, 1:1 की वैल्यू। अब रेफ्रिजरेटर कितने का, 5:1, तो 5:1 बराबर क्या हो जाएगा, 2750 × 5। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, 13750 आ रहा है क्या, है ना, कि नहीं, सॉरी 16500 ऐसा कुछ आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 2750 मल्टीप्लाइड बाय कितना है अपने पास, 5, 13750 ही आ रहा है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। नीता, दो वैरायटी है टी की, 180 रुपए और 200 रुपए, 5:3 में मिला के 210 रुपए प्रति किलोग्राम में। देखो 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 200 रुपए प्रति किलोग्राम, इनको 5:3 में मिलाओ पहले, तो इनको किस में, 5:3 में मिलाओ, और फिर 210 रुपए में बेचा। मिलाने के बाद 210 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, तो लाभ और हानि। अब आप ये समझो भाई, सीधी सीधी बात है कि 180 रुपए वाली 5 किलोग्राम की 5 किलो चाय ले ली आपने, तो 900 रुपए की तो यही हो गई। 200 वाली 3 किलोग्राम ले ली तो 600 रुपए का तो यही हो गया, बटे टोटल कितना हो गया, 8। तो आप कहोगे सर ये तो 1500 रुपए की चीज है 8 किलोग्राम, तो कितना हो रहा है, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर आया 70, फिर 8 = 70 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 64। फिर ये तो डेसिमल में चला जाएगा, 4 0
नहीं सॉरी 60 बचेगा, फिर 8 7 56.5, इतना ही आ रहा है शायद, 187.5 है ना, डेसिमल में जा रही है वैल्यू। अगर मैं 1500 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 187.5 मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है, सीपी 187.5। और इसको मैं बेच रहा हूँ 210 में, इसको बेच कितने में रहा हूँ मैं 210 में, तो मेरे को सीधा सीधा 22.5 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 187.5 के ऊपर, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, गुणा 100 करो तो 2250 डिवाइडेड बाय 187.5, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक और जीरो है ना, ऊपर एक और जीरो, तो कितना हो जाएगा 22500 डिवाइडेड बाय 1875 है ना। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 22500 डिवाइडेड बाय 1875, तो आंसर निकल के आएगा बेटा सीधा सीधा 12%। हाँ जी भाई जनता, बात समझ में आ रही है? शंकर जी एकदम सही, राकेश जी 11 नहीं 12 12 आएगा, ठीक है ना बेटा, एकदम सही एकदम सही। देखो और आप क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, मेरी बात को समझना। अब देखो कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा बहुत कठिन हो गया सर, ये तो ये पॉइंट पॉइंट में चला गया, ये तो बड़ा कठिन हो गया। आप ऐसा मत करो, आप ये जानो कि 180 रुपये, 200 रुपये, 5 और 3, तो ये हो गया 900 रुपये का, ये हो गया 600 रुपये का, तो टोटल 1500 रुपये में 8 किलोग्राम। 210 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 8 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16800, सॉरी 1680 सिर्फ, 00 नहीं 1680, 1680, 210 का 1 किलो, तो 8 किलो हो गया ना, 5 किलो 3 किलो कितना हो गया 8 किलो, तो 1680। 1500 की चीज 1680 में गई, तो आप कहोगे सर 180 का लाभ है 1500 के ऊपर, परसेंटेज में हो जाएगा गुणा 100, 00 काट दो, 15 × 12 180 होता है। ये ज़्यादा जल्दी अब पॉइंट वॉइंट नहीं लगा यहाँ पे, मैंने 120 में क्या कर दिया 8 से गुणा, मैंने 8 किलोग्राम का निकाल लिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? हाँ जी बेटा कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। चलो बढ़िया करना भाई। पार्थ अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इतना इतना है। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन अपन आज कर लेते हैं, है ना, चलो लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, मेरी बात को समझना। तीन अनुपात 5 है इन्वेस्टमेंट, एक पे 15% का क्या है लॉस और दूसरे पे 10% का क्या है प्रॉफिट, है ना। तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो 15 × 3 − 45, 5 × 10 क्या हो गया प्लस का 50, बटे में 5 और 3 क्या हो गया 8, तो ये हो रहा है 5/8, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, बात खत्म। 5/8 आएगा, अरे यार प्रॉफिट आएगा, कंबाइन लॉस, अरे लॉस तो है ही नहीं, 15% ऑन, अच्छा सॉरी पहले वाला प्रॉफिट है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पहले वाला प्रॉफिट है दूसरे वाला लॉस है, ये मैंने गलती कर दी, पहले वाला था प्रॉफिट दूसरे वाला लॉस, तो ये प्लस 45 होगा माइनस 50, तो −5/8 आएगा, −5/8, हाँ साइन अपोजिट कर दिया था, कोई बात नहीं मीरा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस हो गया ना, ये तो 15 × 3 = 45, 50 हो गया माइनस का, बटे में 5 और 3 कितना 8, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक। तो बेटा मुलाकात करेंगे अपन कल रात को, मिलते हैं फिर अपन 8 बजे, है ना, कल रात को 8 बजे अपन करेंगे आगे के सवाल, ठीक है जी। और कल अपन नया चैप्टर, प्रॉफिट लॉस अपन ने बहुत पढ़ लिया, कल अपन रीजनिंग का एक नया चैप्टर चालू करेंगे, मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर हो जाएगा मेरे पास अवेलेबल, मैं वो पढ़ूंगा अगला चैप्टर, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का, मिलते हैं अपन कल रात को 8 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का।